हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल सिंपल फिजिक्स फंडा। वी हैव अ क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन आई रिसीव्ड फ्रॉम अनूप कुमार झा। क्वेश्चन सेज, टू ब्लॉक ईच हैविंग मासेस m1 m2 आर कनेक्टेड बाय एन आइडियल स्प्रिंग प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस एज शोन इन फिगर। If M1 is projected horizontally with velocity 0.15 meter per second, then what is maximum compression in a spring? Take M1 as 2 kg, M2 as 3 kg, and K spring constant as 10.8 newton per meter. Here is the figure. तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन हमको कह रहा है, दो ब्लॉक है M1 और M2 मास का, दोनों एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है एज शोन इन फिगर। दोनों हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है और प्लेन स्मूथ है। M1 और M2 का न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ मास दे रखा है। सरफेस हमारा स्मूथ है, ठीक है, और इसको एक वेलोसिटी u1 दिया है जिसका वैल्यू है 0.15 मीटर पर सेकेंड। तो काइनेटिक एनर्जी सिर्फ किस ब्लॉक को सप्लाई किया है? तो काइनेटिक एनर्जी पहला वाला ब्लॉक को सिर्फ सप्लाई किया है और दूसरा वाला ब्लॉक जो है वो इनिशियली रेस्ट में है, तो u2 इसका जीरो हो गया। अब यही काइनेटिक एनर्जी दो काम करेगा, एक इसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हाफ इंटू के इंटू एक्स स्क्वायर, जहाँ पर के है स्प्रिंग कांस्टेंट, एक्स है डिफॉर्मेशन दैट मीन कंप्रेशन और एलोंगेशन इन द स्प्रिंग, और कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी जो होगा हाफ एम यू हाफ एम वन यू वन स्क्वायर का, वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम भी रह जाएगा। दोनों के काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम रह जाएगा। तो ये काइनेटिक एनर्जी कब आएगा? जब पूरा स्प्रिंग टाइट हो जाएगा, तो दोनों M1 और M2 सेम वेलोसिटी कॉमन वेलोसिटी से मूव करेगा। तो दोनों का कॉमन वेलोसिटी है, तो दोनों का मास को ऐड कर लेंगे और वेलोसिटी का स्क्वायर कर देंगे, तो हमको काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, जो बचा हुआ एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में रहेगा और ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में रहेगा। तो यहाँ हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये दोनों एनर्जी का सम जो है वो कहाँ से आया? तो वो सिर्फ इसका काइनेटिक एनर्जी जो सप्लाई हुआ उससे आया है, हाफ M1 U1 स्क्वायर से आया है। तो इसी से हमको यहाँ पर ये मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग को फाइंड आउट कर लेंगे, इसको निकाल लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे इसको लिखते हैं। तो अभी इस सिचुएशन में हम करते हैं कि 1/2 सब में कॉमन है, तो इसको कैंसिल कर लेते हैं दोनों साइड से, यहाँ से कर लिया कैंसिल। तो अब हम देख पा रहे हैं, हाँ, M1 U1 स्क्वायर जो है वो के एक्स स्क्वायर प्लस M1 इन प्लस M2 VC का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है, और VC हमारा कॉमन वेलोसिटी है जब स्प्रिंग टाइट हो जाता है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यूज कर लेंगे, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, इससे VC आ जाएगा। तो पहले सिस्टम के पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी था M1, इनिशियल मोमेंटम सिर्फ सिस्टम के पास था M1 इंटू U1, और बाद में दोनों सेम वेलोसिटी से जा रहा है, तो दोनों का मास को ऐड करेंगे इनटू VC लिख लेंगे। तो VC हम देख पा रहे हैं, VC कितना हो जा रहा है, M1 डिवाइडेड बाय M1 और प्लस M2 इनटू U1, तो ये VC निकल गया। अब इस VC को यहाँ पर पुट कर लेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे इसको करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा M1 U1 का स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर और प्लस M1 प्लस M2 इंटू VC का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा M1 इंटू
m1 का स्क्वायर, u1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा m1 प्लस m2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से एक टर्म उसका कट जाएगा, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो m1 u1 स्क्वायर की x स्क्वायर प्लस m1 का स्क्वायर u1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 बचेगा। ठीक है, अब हम x स्क्वायर को निकालेंगे, तो यहाँ पर इस टर्म को इस साइड भेज देते हैं तो हमारा x स्क्वायर बच जाएगा। यहाँ हो जाएगा m1 u1 स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इज इक्वल टू x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर m1 u1 दोनों में कॉमन है तो इसको ले लेते हैं कॉमन, m1 u1 स्क्वायर को, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा m1 बाय m1 प्लस m2। ठीक है, इज इक्वल टू kx स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे इस वाले टर्म को तो हमको बचेगा m2 बाय m1 प्लस m2, क्योंकि m1 तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो और ये m1 से फिर m2 हो जाएगा, तो फाइनली हमारे पास जो आएगा ये बचेगा m1 m2 u1 का स्क्वायर, और नीचे में बचेगा m1 प्लस m2 इज इक्वल टू kx स्क्वायर। ठीक है, अब इसका वैल्यू सब डाल देते हैं, तो यहाँ पर वैल्यू सबको पुट करते हैं, तो m1 हमारा 2 था, 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 इंटू u1 0.15 था, तो 0.15 को दो बार इंटू करना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है, और इधर के एक्स स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 6.5 इंटू 0.15 इंटू 0.15 इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर कुछ इंटू डिवीजन कर लेते हैं, आप खुद से भी कर सकते हैं, तो 0.5 इंटू 6 तो ये हो जाएगा 0.9, और ये हो जाएगा 0.03 इस साइड में, और ये दोनों इंटू होने के बाद 0.9 देगा। तो चलिए इसको आगे लिखते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0.9 इंटू 0.03, और k का वैल्यू था 10.8, तो ये नीचे आएगा तो 10.8 के बदले, और यहाँ सिर्फ बचेगा एक्स स्क्वायर, तो इसका पॉइंट ख़त्म हो जाएगा, तो ये 12 हो जाएगा, और इसके बदले यहाँ आ जाएगा 100 इसके दो डेसिमल प्लेस के लिए, और ये 4 हो जाएगा, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है 1/400। अगर स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड तो 1/20 आ जाएगा, और इसको आगे लिखेंगे 0.05 मीटर मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग हो गया, मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग हो गया। तो यही है इस क्वेश्चन का आंसर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।